होता है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। क्या पढ़ा था? जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितने के बराबर हो, मतलब तीन वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। इस क्वेश्चन की एक सब क्या पूछता है, कितना लाभ होगा, लाभ में इससे हानि, तो एसपी का मान कितना हो जाएगा, यहां से तीन, सीपी का मान कितना हो जाएगा, दो। दो रुपए में खरीद रहा है, तीन रुपए में बेच रहा है, कितने का फायदा हो रहा है, एक का। क्रय मूल्य कितना है, दो, एक बटे दो का मान कितना होता है, पचास। ये तो हम पढ़े थे, तो एक पहले क्वेश्चन लिखो दीजिए। Thank you.
देखो पांच वस्तुओं को, पांच वस्तुओं का विक्रय मूल्य, पांच वस्तुओं का विक्रय मूल्य तीन वस्तुओं की हानि के बराबर है। तीन वस्तुओं की, तीन वस्तुओं की हानि के बराबर है, बराबर है। यदि दुकानदार को 150 रुपए की हानि होती है तो क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य ज्ञात कर पड़ा। जिनको फॉर्म डालना है सी जी तब वो अपना डालते हैं, अभी बाद में पता चलेगी पड़ी ना।
तो जिनकी देखो हाइट ऐसी है, लड़कों की 170, लड़कियों के 157, उम्र 18 से 23 साल, अगर ओबीसी की 3 साल और जोड़ लो 23 होगी 26, एससीएसटी के तो 5 साल और मिलता है 305। फॉर्म डाल देना जिनकी जिन्हें लग रहा है तैयारी नहीं कर रहे हैं, पेपर दो कर दे जाएंगे तैयारी हो रही है। आता क्या क्या है कई बार बता चुके हैं, वही मैथ के 20 क्वेश्चन, वही रीजनिंग 20 क्वेश्चन, वही जीएस 20 क्वेश्चन, यहाँ पर हिंदी लो या फिर इंग्लिश लो, कितने क्वेश्चन 20 लो, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा तो कितने हो जाएंगे 180। जिन लोगों के पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, बी है और कौन सा है, जिनका सी है उनको मिलता है 8%, इनको मिलता है 5% नंबर थ्री के, इनको मिलते हैं 2%। शायद यहाँ पे ऐसा होगा 5 ना 1 8 5 2, तो अगर मान लो 100 है तो 100 में 8 नंबर मिल जाएंगे, और अगर 160 है तो 160 का 8% कितना होगा, कितना होगा 16 8 कितने होते हैं 128, तो 12.8 नंबर मिल जाएंगे फ्री फाइट में, और 5 अपने वाटर के लगा लो 12 और 5, तो ऐसे करो फायदा कितना है, 5 नंबर कितने मिलेंगे जिनके पास एनसी का सी होगा, नहीं 5 वाटर वाले सबको मिलते हैं, ये शायद होता है 8 ना हो मतलब 5 हो या फिर 5% तो होता ही है, बी का कम रहता है सी का थोड़ा फॉर्म डाला है, अभी दबा दे 12 साइड ठीक कर लेंगे कि ये नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है, साइड पर पड़े पड़े दो दिक्कत हो तो फिलहाल आंसर कितना आ रहा है, क्लास ही कितना आंसर आ रहा है, बराबर है किसके बराबर है, 3 वस्तुओं की हानि के बराबर है, तो 5 का विक्रय मूल्य बराबर है 3 वस्तुओं की हानि, ठीक। तो यहां से आप बताओ एस पी कितनी होगी, उल्टा लिखते हैं चलो फिलहाल आपको कुछ ना कुछ आएगा, एस पी का मान कितना हो गया 3, हानि का मान कितना होगा बेटा 5। अगर हम आपसे पूछे यहाँ बताओ सीपी कितनी होगी, 2 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
कितनी होगी? आठ। आठ कितनी होगी? दो। आठ में दो भी बता दो, पाँच में तीन बड़ा दो भी तो आएंगे। हानि होगी तो जोड़ देंगे, सीपी ज्यादा होगा ना तभी तो हानि हुई होगी। भाई ये चीज को तीन पे भेजा तो पांच की क्या हुई? हानि। पांचों की जेब से चले गए, मतलब तीन महंगी भी नहीं होगी तो पांच और तीन सब कुछ तुम्हारे सामने है, जो दे रखा उसके सामने चल रहा। यदि दुकानदार को 150 रुपए की हानि होती है, यहाँ पर कितनी हो रही है? पांच की। तो पांच सामान कितना हो गया बेटा? 150। पांच में किससे गुणा करेगी 150 बन जाए? किससे गुणा करेगी? 30 से। तो भाई यहाँ पर 30 से करोगे तो यहाँ भी किससे करोगे? और यहाँ भी किससे करोगे? 30 किया 200। जो जो पूरे तो सब आ गए। अगर आपको कुछ विक्रय मूल तो 90 रुपए, विक्रय मूल 240 रुपए। 240 रुपए कोई चीज थी उतने बेच दी, 90 रुपए में बेच दी। हाँ तो है कहाँ गया?
हाँ वाली बहुत हो रही, कितनी देर तक धूप में बैठे रहे। अरे बैठ जाते थोड़ा सी हो जाता, सिलाई सही हो जाती। तीस तारीख को टेस्ट है, टेस्ट बन गया, 60 क्वेश्चन होंगे। कितना है? सब क्वेश्चन
कितना होगा? पाँच की नौ, पाँच होगा लाभ हो गया तो विक्रमण कितना हो गया सात, त्रिकोण कितना हो गया पांच। हमें क्या निकालना है प्रतिशत लाभ, तो क्या करें करेंगे भाई लाभ को ऊपर कितना है दो, त्रिकोण हमेशा नीचे आता है जब राशि का लाभ कितना पांच और दो बटे पांच किसका मान होता है 40%। तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा 40%। बस ये तो पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं आ रहा है कितना है आने तो क्या होता है अभी तो आए हो कि अभी भी नहीं आए ये बताओ अभी आए ना देखने कितना बढ़िया लग रहा है ये सब इधर उधर पता नहीं पचास आ रहा है जल्दी बताओ कितना आ रहा है ये किसका मान होता है और वो जाने से क्या होता है हाँ ये बिल्कुल ठीक है चौदह सही दो बटे तो हानि किसके बराबर है कह रहा है हानि जो है विक्रय मूल्य का कितना है 16 सही दो बटा 3% किसका विक्रय मूल्य
हाँ देखो ये तो नहीं पता किसके बराबर होता है ना, तो हानि मतलब ये किसका होता है, एक बटा और वो भी क्या बेटा ठीक, तो मतलब हानि कितनी होगी यहाँ से एक, और विक्रय मूल्य कितना हो गया, और बेटा क्रय मूल्य कितना हो गया, सात की पांच पीछे बात है कितना आपकी पढ़ाई में पांच होगा, पांच होगा आठ होगा सात होगा क्रय मूल्य, सात होगा हमने दे दिया जो कितना होगा, सात होगा क्यों, हानि हो रही है मतलब ठीक क्या होगी महंगी होगी, तो छह और एक सात, तो भाई अब हमको निकालना है कितने कितने तो हानि एक की क्रम कितना है सात, एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, 45 नींबू 40 रुपए बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, वह 24 रुपए में कितने नींबू बेचे, वह 24 रुपए में कितने नींबू बेचे कि उसको 20% का लाभ हो, ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने 3-4 किए थे, तो पता ही मिल रही है कि तुम्हारे आंसर आएंगे उसको बता दो, सच्चाई तो भाई यही बहुत होता है का अंदर आ जाए, तो 24 रुपए में कितने नींबू बेचे कि उसको 20% का लाभ हो, नहीं तो क्या दो घंटे का चार्ज नहीं, दो
सुबह सुबह घर पे किया ना, यहाँ तो अलग है, कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे क्वेश्चन किए नहीं क्या हम लोगों ने? हाँ करो फटाफट। सो गई हो? करो फिर क्वेश्चन। हाँ बेटा बिल्कुल ठीक लोग हैं। हाँ हमारा भी आंसर नहीं आ रहा है। चौबीस रुपए में कितने? बहुत है।
हाँ बताओ आगे तो कुछ लिख के बताना है, ऐसा नहीं होता है फटाफट आदमी देख के ग्रहण लिखता है काटे का आंसर तुमने सिखा दिया इस बार। और तुम्हारी समझ आ गई कोई चीज चार रुपए में तीन नींबू मिल रहे हैं तो हमने आपसे कह दिया भैया 24 रुपए में कितने नींबू मिलेंगे ग्राहक कितने मिलेंगे मुस्कान महल आप
गुणा जब हो सभी में तो ऊपर से नीचे वाले कटते हैं, नीचे वाले से ऊपर वाले, पांच से पांच के उड़ गया, चार से काटा चार एक चार चार सावन कट गया, ठीक है कौन बचा। फिर हमने किससे काटा, फिर काटा तीन से, तीन दूनी पंद्रह दिया पैतालीस, ऊपर दस आ गया नीचे कौन आ गया पंद्रह, पांच के पारे से काटा नीचे कितना जाएगा तीन, ऊपर कितना जाएगा ठीक, गुणा करा दी दो दूनी चार और नीचे कौन बचा चुकती चार बटे तीन, मतलब ऊपर वाला रुका होगा नीचे क्या होगी मात्रा, क्या आया निकलते चार रुपए में कितने गेहूँ देंगे तीन, तो फिर चौबीस रुपए में कितने, तो चार रुपए से पहले क्या बना लो चौबीस रुपए, तो चार छक चौबीस, छह से गुणा किए तो यहाँ भी किससे गुणा करेंगे छह, इसी को सब फिर से करेंगे देखो एक व्यक्ति तो बता रहे बार बार एक ही बात कर रहा था तो नहीं बताते हैं बेटा पहले भी त्रिभुज का त्रिभुज बनाना है, हाँ इसलिए पहले तो त्रिभुज तो बना लो तो लाभ हानि किस पे निकालोगे, त्रिभुज पे त्रिभुज पे त्रिभुज पे, तो पहले त्रिभुज बनेगा पहले क्या बना लो उसको त्रिभुज बना लो बीस रुपए में पच्चीस नींबू बेचने पर पच्चीस प्रतिशत का लाभ कमाता है यदि उसे 40 प्रतिशत का लाभ कमाना हो तो वह किस भाव से नींबू बेचे, घर पे जाके तुमने से एक तो थोड़ा आधा लोग नहीं जो तो पढ़ाया एक दोबारा जाके नहीं पढ़े समझ का माइंड कमी लग जाए कमी ना लगे सर से लिखवा दूँ पाँच सौ रुपये काम से लिखवा दूँ और क्या इतना आधा हो तो घर हर घर सब नौकरी वाले मेहनत करो तब कहीं जाके कुछ होगा तब उम्मीद जगेगी कि हाँ हो सकता है लग जाए हो सकता है वो भी कितना आ रहा है दो क्वेश्चन कराए आगे बढ़ाए
25% कितना होता है? करो करो कुछ भी करो करो सीखेंगे तो कितना आंसर आ रहा है? कर लेना, पर कभी कभी ऐसा होता है
अगर तुमने उतार लिया फिर समझो क्या समझना है। जैसे मालूम पहले आप कोचिंग कितने रुपए की हुई, 100 रुपए की हुई, आपको ये देखना नहीं, इधर देखना है, उतार दो देखो इधर 100 रुपए की मिली और आपने उसको 20% के लाभ पर बेच दिया, कितने बेच दिया 20% के लाभ पर, तो बेटा कितने बेचा होगा 120, ठीक जी, सबको समझ में आ रही बात, 100 की मिली थी और 20% लाभ पे बेच दी, ये वाली दीपावली तुम अब गए तो तुमको अब पता चला कि वो चीज अब 10% कम में मिल रही है, अगर कोई चीज अब 10% कम में मिली तो कितने की मिलेगी 90 की, बात समझो, अगर कोई चीज अब कितने की मिल रही है, अब 10% कम की मिल रही है, कितने की कम की मिल रही है 10% कम, तो बेटा कितने की हो गई 90 की। पर मैंने कहा लालच तो बुरी बला है, बोले इस बार हमको चाहिए 30% का लाभ, तो बताओ कितने की बेचेंगे 120 कितने बेचेंगे, अरे अब तुम्हें सौ की पड़ी है, कितनी पड़ रही है 90 की, अब इस पे कितना लाभ चाहिए 30% इस पे 90 सौ पे नहीं, सौ पर नहीं, बेईमानी डाल दिया ना, ईमानदार बनता है, ये पहले 100 रुपए की मिल रही थी तो 20% का लाभ कमाया मतलब 120, अब 10% कम की मिल रही है तो कितने की मिल रही है 90 की, अब हमको 90 पे कितना परसेंट लाभ चाहिए 30%, तो फिजा बताओ निकाल के कितना आएगा 90 का 30%, 90 का 30% कितना आ जाएगा, गिराते कितना आएगा 90 का 30%, तो 90 का 30% कितना कम हो रहा है अभी 30, पर क्वेश्चन में कितना कम बेच रहा है 60,
तीन का मान किसके बराबर? सात के बराबर। तो एक का मान बीस। अब बहुत सारे लोग तो यही पर डाउट है, नहीं ये कैसे आ गया? तीन के मान तीन का तीन, एक का मान बीस रुपए, तो सौ का मान सौ से बीस गुणा करा दो, कराओ ना। एक दो और एक जीरो तीन जीरो मतलब कितना? 2000। मतलब वो चीज पहले कितने की थी? 2000 की। प्रिंस बताओ डिस्काउंट के बाद मतलब और रुपए कम हो गए, डिस्काउंट नहीं दिया, रुपए कम हो गए 10%, तो अब कितने की होगी? पहले 2000 की थी, ठीक। दीपावली था इस समय, दीपावली निकलो है, दीपावली थी है ना, दीपावली की थी, तो 100 रुपए की थी, अब कितने की है? मतलब 100 की थी, अब कितने की है? 10% कम। तो पहले कितने की थी? 2000 की। मतलब तुम मान नहीं है ना, मतलब 100 की, तो पहले 2000 की थी, अब 10% कम होगी, तो अब कितने की होगी? 90। वो तो मान लिए हैं, रुपए बताओ। इधर देखो रटना नहीं, एक का मान बेटा कितना है? 20 पर अब कितना है? 90। तो 90 का मान कितना होगा? 20 × 90। 20 × 90 गुणा करो कितने? 1800 रुपए की। बात समझ आ रही है? उतार भाई फटाफट, फिर क्वेश्चन बोले। क्वेश्चन बोले देखो, एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, 20% लाभ पर बेचता है,
यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता, यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता और 10% अधिक पर खरीदता और 25% लाभ पर बेचता और 25% लाभ पर बेचता तो उसे 14 रुपए अधिक मिलते, तो उसे 14 रुपए अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करो। करो बेटा फटाफट। ऐसे तो क्वेश्चन है, देखो थोड़ा चेंज हो गया, वहाँ घाटा हो गया था, मतलब इजाफा हो गया थोड़ा। बंटे को गंगा स्नान है, सब लोग जाना और नहाना। सर्दी की तरफ जाते हो, उधर देखो कितना आंसर आ रहा है। कितना आंसर आ रहा है बेटा? क्रम कितना आ रहा है? कितना आया? अभी कैसे कुछ नहीं आया? ऊपर क्या रहा है? ये वाला कैसे नहीं आया था? हमने मान लिया क्रय मूल्य कितना है 100, ठीक। पहली बार कितना था 100, कितने का बेचा है बेटा? क्या कह रहा है? 20% सामान को 20% लाभ पर बेच रहा है, तो कितने बेचा? 120। ये थी पहली वाली, ठीक है, इसे लिखना है। अब क्या हुआ, 10% उसको अधिक पे मिला, तो भाई इस बार उसने खरीदा ही कितने पे? 110। 10% अधिक तो 10 कट जाएंगे, 110। अब वो क्या चाह रहा है? 25% का लाभ। क्या तुम नहीं जानते 25% का लाभ नहीं निकाल पाओगे भी? 110 का 25% कितना होगा? 27.5 आ रहा है। चलो दिखा रहा है 110 का, पहले यहाँ पर लिख दिया 50% आए, लिख भी नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ, 10% अधिक तो मिला है, और यहाँ पर क्या हुआ, पहली बार में 20% का लाभ। अब यहाँ पर वो क्या चाह रहा है, 25% का क्या चाह रहा है बेटा? जरा यहाँ से बताओ 25% का मान कितना होता है? अब देखो डायरेक्ट करेंगे तो भाई लाभ हो रहा है ना, तो चार वाली चीज कितने बेचे? 5 में, तभी
तो लाभ होगा। चार वाली चीज कितने बेचे? पांच हो जाएगा, पांच बटे चार। ये बात नहीं बेटा, पांच चार मांगा है, पूरी जाति को लिखना कुछ नहीं है, फोटो का मशीन में सुन। तो 25% का लाभ हुआ, मतलब 1/4 लाभ हुआ, तो 5/4 कितने का? 110 का। 5/4 किसका? 110 का। तो 110 का गुणा 110। अब काटा और पीटी में चार के पाड़े देखो, क्या चार के पाड़े में भी 110 आएंगे? नहीं। तो पहले दो से काटते हैं, दो तो नहीं, ये कितना आ जाएगा? ये तो आएगा 2 × 5 = 10, फिर 2 × 5 = 10, इसकी गुणा करा दो, 25 + 25 = 27। कितना रहा है? देखो 5 × 25 = 25 आने लगे, 5 × 25 = 27 बटे बेटा कितना? 2। ठीक, अब दो के पाड़े काट दो, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 6, कितना बच गया? 1। कितना हो गया? 15। 2 × 7 = 14, कितना बचा? 1। पॉइंट लगाया, हो गया 10 × 2 = 5। तो जो चीज को 120 की बेच रहा था, अब कितने की बेच रहा है? 137.5। कितनी ज्यादा बेच रहा है? 17.5। कितनी ज्यादा बेच रहा है बेटा? तो ज्यादा ये इस वाले बनाओ, 0.56। 7 में से 0 गया 7, 3 में से 2 गया 1। तो कितना ज्यादा आ रहा है अपने हिसाब से? 17.5। अपने हिसाब से कितना ज्यादा आ रहा है? 17.5। यहाँ तक किसी समय नहीं आ रहा तो पूछो कम कर दीजिए, वो तो ही काटने वाला तुम्हें आया था, तो ये तो बिल्कुल मान नहीं कर रहा था। 17.5 ज्यादा अपने हिसाब से आया, उसने बार फिर से बोलो, अगर वो इतने में बेचे तो उसे कितने रुपए अधिक मिलने हैं? पर अपने हिसाब से 17.5, पर क्वेश्चन के हिसाब से कितने? 14। क्या चीज? रुपए। तो 17.5 का मान बेटा कितना हो गया? 14। कि अगर यहाँ का हम पॉइंट हटा दें तो यहाँ का क्या बढ़ जाएगा? तो 175 का मान कितना हो गया? 140। 175 का मान कितना हो गया? 140। क्या ये 7 के पाले कट जाएंगे? पीछे तुम तीन लोग बताओ, 7 के पाले ये कट जाएंगे? काट देखो, 7 से क्यों काटने को? ये कट जाएगा, 7 × 2 = 14। तो पहले इसको काटो, 7 × 2 = 14, 20 आ गया जी। अब इसको 7 से काटो, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21 ज्यादा हो जाएंगे, 7 × 3 = 14, कितना बच गया? 3। 7 × 5 = 35। तो बेटा यहाँ से करते 25 = कितना? 20 रुपए। क्रय मूल्य था कितना आपका? 100। क्रय मूल्य कितना था? 100। ये किसका मान आ गया? 25 का। 25 बराबर कितना आ गया? 20। पर हमें चाहिए क्या? हमें तो चाहिए 100। 25 में किससे गुणा करेंगे 100 बन जाए? 5 से। 4 से। 25 चौ तो 20 चौ 80। तो आंसर कितना आ जाएगा ग्रह मूल्य? 80 रुपए। 100 क्या था? क्या मान था स्टार्टिंग में? ये फेवरेट क्वेश्चन है जैसे जीडी की ऐसे क्वेश्चन भूख आती है, माना ये तो सॉर्ट कर जाता है, पर अभी भी बात नहीं है परसेंट से निकल आएगी सॉर्ट बता रहे तो और हो जाओगी। किसी की कहीं भी समझ ना आया हो, ये लाइन से समझ ना आई हो तो पूछ लेना, ये लाइन से तुम भी अरे समझ आ रहा है कुछ? कहाँ पर बैठा ये क्या हो रहा है? शुरू से चलो, बेचना कहाँ? ठीक, पहले कितने का था? 100 का। 20% का लाभ हो रहा है, हो रहा है क्वेश्चन पर करो अपने हिसाब से, 20% का लाभ हो रहा है तो 120 का बिक रहे हैं। अगली बार करें तो दिमाग में देख रहे क्वेश्चन पढ़ो, कितने का अधिक का मिला? 10% अधिक, तो 100 का 10% 10 होता है, 110
ठीक। अब इस बार के स्कूल कितना लाभ कमाना है? 25% लाभ, 25% पे कितने? 4 लाभ कमाना, तो 4 और 1 5, 5 बटे 4 कितने पे कमाना है इस बार? भाई अपने जेब से चलाएंगे, 1+ की मिली है इस बार, कहते नहीं है अब महंगी हो गई है तो जेब से तोड़ देंगे। पहले 4 रुपए की आ रही है, 5 की आ रही है, तो अब कितने की आ रही है? 110 की। तो इस पे लाभ कमाएंगे 1+ पे कितना? 25% का लाभ। तो बेचेंगे कितने की? 5 बटे 4 × 110। अब यहाँ पर उनका समझ में ना आया, तुम पहले निकाला 2 × 2 = 4, इसको बढ़ो 2 × 5 = 10, बचा 1 × 2 = 10, इन दोनों गुणा करा दी कितनी आ जाएगी? 2 × 5 = 25, 5 × 25 = 2 = 27, और बटे बेटा 2 × 2 = 2, ऊपर काटे में 2 × 2 = 2, 2 × 3 = 6, बचा कितना? 1 × 9 = 15, 2 × 7 = 14, बच गया 1, पॉइंट लगाया तो हो गया 10, 2 × 5 = 10, अब कितना आ गया? 137.5। पहले 120 का बेच रहे थे, आज कितने का बेच रहे हैं? 137.5 का। इतना ज्यादा का बेच रहा है, घटा दीजिए इस बार इसने इसको 17.5, ये तो अपने हिसाब से, पर क्वेश्चन में क्या बोला है? 14 रुपए अधिक मिलते हैं, तो 17.5 का मान कितना था? 14, यहाँ से पॉइंट हटा के क्या बढ़ जाएगा? 0। 175 का मान कितना जाएगा? 125 कितने होते हैं? 176, है ना। हमने 7 से काटा, ये 25 आ गया, ये कितना आ गया? 20। 25 का मान कितना आ गया? 20 रुपए। तो 100 का निकालना है, 25 में गुणा करेंगे 4 से, जब यहाँ पर आपने 4 से गुणा किए तो यहाँ भी किससे गुणा करोगे? 4। चलो एक तरीके से और करते हैं, कभी नॉलेज में फंस जाओ, कुछ लोगों ने पढ़ा हो शायद, मैं बैठ के हैं दोनों साथ जिससे कम्युनिकेशन अच्छे से बैठ सकूँ, तो टाइप दूसरा डालेंगे, ये मैथम पहला था, अभी दूसरा मैथम। क्लास बैठे क्लास के बाद कितना ज़्यादा बैठ रहे हैं, अब बातें ना ही करो ज़्यादा बढ़िया है। तो मैथ में जब हम पढ़ते थे मान है ग्रह कितना है, अब हम मुझे लिखना नहीं है, तुम बताओ कि भाई लिखेंगे मान है ग्रह कितना है, पहली बार में कितने का लाभ कमाया बेटा? 100 का लाभ कमाया, 20 का, 20 क्या 20% का लाभ, 20% का क्या चीज? 20% का लाभ, बताओ 20% का मान कितना होगा? 1/5, लाभ है तो कितना हो जाएगा? 6/5, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? 6/5, कितने लाभ कमाया? ठीक है, याद समझ में आ गई। अगली बार दुकान पे गए तो क्रय मूल्य एक्स नहीं रहा, कितना हो गया? 10% बढ़ गया, तो 10% का मान कितना होता है? 1/10, और बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 11/10, तो इस बार क्रय मूल्य कितना हो गया? 11/10 है, ऊपर है गुणा में। इस बार कितने का लाभ कमाना है आपको? 25% का कमाना है बेटा, इधर देखो 10% बढ़ गया, तो क्या लिखो? 11/10, उतारो कुछ मत, उतारने उतार दो, उतारने से फायदा नहीं, पहले समझना। 10% बढ़ गया तो कितना हो गया बेटा? 11/10, किसका? कमाने वाले का। अब इस पे लाभ कमाना है तो 25% कमाने का होगा 1/4, लाभ कमाओगे तो 5/4 लिखोगे बेटा, 5/4 किसका? इस वाले का, मतलब 11/10 और गुणा में है। ठीक, अब जरा इसको तुम काटा करने की मजाक करो, 5 से 10 कट जाएंगे, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, ऊपर देखो 1 × 11 11 × 1 कितने होते हैं? 4 × 2 = 8, अगर दो चीज आ गई, पहले हम कितने का बेच रहे थे? 6/5x का, 6/5x का, अब आप कितने का बेच रहे हो? 11/8x का। उसने क्या बताया है कि अब जो आप बेच रहे हो वो अब कितने रुपए ज्यादा मिल रहे हैं आपको? क्वेश्चन पढ़ो, 14 रुपए ज्यादा मिलते हैं, तो हमने समझ गए कि ये वाली चीज क्या होगी? बड़ी होगी,
पहले आपको रुपए मिल रहे थे, हमने कहा अब जो रुपए मिल रहे हैं वो पहले वाले से 14 रुपए अधिक मिल रहे हैं, तो इस बार ज्यादा होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 11 बटे 8 है माइनस 6 बटे 5 है, और ये किसके बराबर होगा, 14 क्या चीज रुपए के बराबर। बस इतने नहीं बता रहे, देखो अब ये भिन्न भिन्न का हो जाओ है फिलहाल कर लो, बनाते कोई दिक्कत नहीं होगी, तो बताए इधर चलो। जब भी भिन्न आ जाए सबसे पहले किसको, इन दोनों को बराबर करते हैं, बराबर जब भी आ जाए मैथ में काले में डाल लासा, 8 और 5 का लासा कितना आ जाएगा 40, अरे सबका आ रहा है 40 नहीं आ रहा है, 8 और 5 का लासा 40। यहां पर 40 बनाने के लिए किससे गुणा करोगे, 5 तो यहां 5 से ऊपर करो 11 बन जाए माइनस, यहां किससे गुणा करोगे, किससे करोगे 8 से, तो ऊपर 8 5 40 ऊपर ही करोगे 8 6 अब बराबर कितना है 14, 55 में से 48 जाएंगे तो कितना बचेगा 3 7 x। अब ये बटे जब एक बार हम लिखो 40 बराबर बटे क्या चीज, ठीक 7 एकम 7 दूनी 11 बटा x बटे 40 बराबर, अब ये उधर गुणा हो जाते थे जी, x का मान कितना है 40 दूनी 80, तो ऐसे भी किया जा सकता है। ये है 7 में का मैथ, अरे पूरा भी नहीं है 7 में का मैथ का तरीका है, 7 में मैथ को सुना सकते हैं, ऐसे करने पर समय लगता है, ऐसे करेंगे पता है। उतार लो इसको, उतार लो भाई साहब, सभी आप मुझे पढ़ाना हो तो किया मोहल चल रहा है, क्या बात है तुम्हारे पसंद में आया है? कम से कम कंप्यूटर में इतना तो पढ़ लो कि जिस स्कूल पढ़ाने जा रहे हैं बाय चांस तो आप भेजती ना हो तो मालूम है। ये डायरेक्ट निशाना था अंशिका पे कि डायरेक्ट तो वो नहीं वो मैं अंशिका के लिए थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ, आप सबके लिए। अब पढ़ाई लिखाई करके तो खाली घर में बैठे तो पढ़ाई लिखाई की फायदा नहीं है, तो करोगे तो खाली उनका नाम तुमने कह दिया है, उनके लिए नहीं कह रहे हैं, आप सभी ऐसी है। अगला क्वेश्चन बोले बेचता है
एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह सामान को 10% कम पर खरीदता, एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह सामान को 10% कम पर खरीदता और 20% लाभ पर बेचता, 10% कम पर खरीदता और 20% लाभ पर, 20% लाभ पर बेचता, तो उसे 8 रुपए कम मिलते, तो उसे 8 रुपए कम मिलते वस्तु का क्रय मूल्य याद कीजिए। करो बेटा फटाफट। एप्लीकेशन लिखो और क्या चेंज करवाओ, ठीक है। कितने पंजे नंबर 18 पंजे
पंजे ऊपर गुणा करा के कटा चक्का पहले कितने का बेच रहे थे 110 आप कितने का बेच रहे हो 160 कितना कम रुपए मिल रहे हैं अपने हिसाब से पता नहीं इतने में मिल रहे कितने का मिल रहा है यहाँ पर लिख लो दो कम ये अपने हिसाब से पर क्वेश्चन में कितने का मिल रहा है आठ क्या चीज दो का मान किसके बराबर एक का मान तेरा गुण कितना है तो सौ गुणे चार कितना आ जाएगा बोला तो ठीक पर इतने पेड़ पढ़ते कि बोलते जेलो के नए के बता पटके तक बोलते पटके हाथ का आगे चल जाएगा बोल रहा है इसमें बताओ क्या दिक्कत है राजवेल तो देखते हो देखते हो वैसा होता ना उल्टा पुल्टा अगर समझ में आएगा तो पहली क्वेश्चन को पूछ लिया करना 50 बार पूछ लिया तो समझ लिया समझ में आएगा तो पूछ लो मैं यहाँ से जाएंगे देखने जाएंगे भाई खाना वाना पड़ जाएगा समझ में आएगा तभी जाएंगे यहाँ पूछ लिया जितनी बार मतलब उतनी बार पूछ लो अब ऐसा भी नहीं समझ में आ गया तो पूछ लो उसकी टाइम से सुना दो देखो अगला क्वेश्चन करा के चाय आंसर कॉफी कुछ कर चाय में एक चीज लेते हैं तुम्हें क्या लेते हैं चलो मीट आगे दुकान है तकलीफ है देखो एक व्यापारी अपना सामान 30% लाभ पर बेचता है एक व्यापारी अपना सामान 30% लाभ पर बेचता है एक व्यापारी अपना सामान 30% लाभ पर बेचता है यदि वह 20% कम पर सामान खरीदता और उसे 40% लाभ पर बेचता तो उसे 144 रुपए कम मिलते सामान का क्रय मूल्य जाती है सामान का क्रय मूल्य जाती वो तो पढ़ी हो तो पाठ भी लाओ लिखना आएगा लिखने की कला नहीं है
अरे इतने बड़े हो गए, आठ सौ अब लगाया जा रहा है, मैंने सही आ रहा है सर, 800 ही आ रहा है ना, कितना आ रहा है हुआ बता दूँ काम नहीं आया इतने खाना पीने नहीं हो पा रही का बात कर ले, इतने खाने का सोच रहा है अनुमान तो नहीं आया जा रहा अच्छा सौ रुपए की चीज भी पहले में कितने का लाभ हमारा था, तो कितनी मिनट हो गई, अगली बार क्या हो गया, यदि वह 20% कम पर सामान खरीदता तो पहले 100 खरीद रहा था, अब कितने खरीदेगा, अब कितने बेच रहा है, 40%। अभी दो तरीके हैं, या तो 80 का 40% निकाल दो भाई, या फिर क्या करो 40% बेटा क्या चीज लाभ, तो बताओ यहाँ पर क्या लेकेंगे, 7.5 कितने का, 80 का, कितने बन गए 80, 16 तो पहले 130 की बेच रहा था, आप कितनी बेच रहा है, 112, कितने कम हो गए 8, कितने कम हो गए 18 कम, देखो जरा कितने कम हुए 18, ये किसके हिसाब से, अपने हिसाब से, तो 18 का मान पोषण के हिसाब से बेटा कितना है, 144, 18 के पाले में कभी 144 पड़े थे, 18 के 140, 18 से काटने कितना आ जाएगा, एक का मान बेटा कितना 8 हो गए, तो 100 का मान कितना होगा, 100 से गुणा करा लो 100 रखे 800, किराएमूली तो पूछ रहा था किराएमूली कितना आ जाएगा, 800 किराया मुझे कितना आ जाएगा, 800 आ गया, ग्रुप में कुछ क्वेश्चन डाल देंगे, संडे और मंडे दो दिन क्या है आपकी छुट्टी, हो गए चले जाओ, बोल जाओ।